हेलो एवरीवन, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है और हम बाज़ार से अक्सर महंगी महंगी तिल की बर्फ़ी ले आते हैं जो कि 500-600 रुपए किलो मिलती है। क्यों ना हम आज वही बर्फ़ी घर पे बनाएं बहुत ही शुद्धता के साथ, और ये 10 से 15 मिनट बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही डिलीशियस, इतना सॉफ्ट और माउथ वाटरिंग, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ये बन जाती है बर्फ़ी, बहुत ही अच्छी। और इसे हम आज बनाएंगे बिना चाशनी के, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और इसे देखिए, आप लड्डू भी बना सकते हैं और बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं ये रेसिपी। देखिए, ये बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलती है वैसी है ना, वैसे हम घर में बनाएंगे बहुत ही सस्ते से। यहाँ पे हमने 200 ग्राम के करीब तिल ले लिया है, इसे हम भून लेंगे अच्छे से। तिल को हमें एकदम से माँच पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जो हमारा तिल अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो उसे हमें तरफ निकाल देंगे और ठंडा कर लेंगे। हल्का ठंडा हो जाने के बाद हम एक जार में चीनी ले लेंगे, मिक्सी के जार में, उसमें इलायची डालेंगे और ये तिल डालेंगे। आधा तिलों को हम चीनी में डाल के पीस लेंगे और आधे से कुछ कम तिल हम रख लेंगे खड़ा डालने के लिए। यहाँ पे देखिए, हमने तिल को पीस लिया है और यहाँ पे हमने 200 ग्राम के करीब खोआ भी लिया है मावा। ऐसे हम अच्छे से मध्यम आँच पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे ताकि हमारा खोआ अच्छे से भुनता जाए। जैसे जैसे हमारा खोआ भुनता जाएगा इसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आएगी और ये बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनेगी। ये बर्फ़ी हम 2 महीने तक रख के खा सकते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और तिल खाने का तो रिवाज ही है संक्रांति पे, तो इसे आप खाएं, दूसरों को खिलाएं। ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखिए, हमें अच्छे से मावा को भून लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा और इसका पानी जो भी हो सूख जाए ताकि हमारी बर्फ़ी लॉन्ग लास्टिंग चले। जैसे जैसे हमारा मावा भुनता जाएगा, देखिए ये थोड़ा इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। हमारा मावा अच्छे से भुन गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और जैसे हमारा थोड़ा सा ठंडा होगा इसमें हम अपना चीनी का पाउडर और पीसी हुई तिल का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें जो अपना खड़ा तिल रखे हैं अलग से भुना हुआ वो डाल देंगे। यहाँ पे हमने भुना हुआ तिल भी डाल दिया है जो खड़ा है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे हमने गैस बिल्कुल बंद कर दिया है। जो भी हमारा हल्का फुल्का खोआ गर्म है उसी में ये सारी चीज़ अच्छे से मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने कोई भी चाशनी वाशनी नहीं बनाया है, बहुत ही आसान तरीका है ये बर्फ़ी को बनाने का। जैसे आप एक बार बनाएंगे तो आपके मुँह से स्वाद जाएगा नहीं, बराबर बनाते रहेंगे। और यहाँ पे हमने एक थाली ग्रीस कर लिया, उसमें आप इस बैटर को अच्छे से फैला देंगे। ये बर्फ़ी हमें मोटी ही जमानी, इसलिए हमने पूरे में नहीं जमाया है। अगर आप पतली जमाना चाहते हैं तो पूरे में जमा सकते हैं। हमें इसका थिकनेस अच्छा रखना था बिल्कुल मार्केट की तरह, इसलिए हमने इसे आधे में ही कवर कर लिया है। और इसे हम दूसरे स्पैचुला से इवन कर लेंगे बराबर, अच्छे से समतल कर लेने के बाद ऊपर से हम इसमें कुछ कटे हुए पिस्ता डालेंगे। आप पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। इस समय ठंड का सीज़न है तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है और 2 से 3 मिनट या 5 मिनट बाद हम इसे कट लगा लेंगे क्योंकि बाद में जमने के बाद कटेगा नहीं। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ बैटर लेके 2 लड्डू भी बनाए हैं ताकि आप इसी बैटर से लड्डू भी बना सकते हैं और बर्फ़ी बना सकते हैं, आपको जो इच्छा हो आप वो बनाएं। और अब हम इसे बर्फ़ी में कट लगा के रख देंगे। जब ये आधे एक घंटे बाद अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए, यहाँ पे हमारी अच्छी सी मावा तिल बर्फ़ी बन के तैयार है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसे अब एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे बिल्कुल मार्केट की तरह स्वाद है, उससे भी अच्छा है ये। और घर पे हमने बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया है और अब देखिए हमें इसे कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसे हमने मिठाई के डिब्बे में सर्व किया है।